केस नंबर 281 दिनांक 5 जुलाई 2020 से एडी 307 506 34 आईपीसी 25 27 54 59 आर्म्स एक्ट थाना जीरक जिला एसएएस नगर श्री सतेंद्र सिंह पीपीएस वरिष्ठ पुलिस कप्तान जिला एसएएस नगर और रवजोत कौर ग्रेवल आईपीएस कप्तान अमरोज सिंह जीएसपी सब डिवीजन जीरकपुर और इंस्पेक्टर राजपाल सिंह गिल मुख्य अधिकारी पुलिस स्टेशन जीरकपुर के कुशल मार्गदर्शन में 21 नवंबर 2020 पर पुलिस ने धारा 307 506 के तहत 28/5/7/2020 पर मामला दर्ज किया है। 34 PC 25 27 54 59 आर्म्स एक्ट थाना जीरकपुर जिला एसएएस नगर अभियुक्त विवेक भारद्वाज पुत्र स्वर्गीय जब एएसआई बलविंदर सिंह नंबर 1012 एसएएस नगर कुमुबीर खास ने हरियाणा के जीरकपुर इलाके में 681 सेक्टर 19 पंचकुला पुलिस स्टेशन सेक्टर 20 पंचकुला में ये पता लगाने के लिए पास किया। सर आज जो आरोपी पकड़ा गया है ये कौन से गैंग का बंदा था और आगे इससे ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? ये टोपी गैंग के साथ संबंध रखता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का बंदा है ये। इसके ऊपर पहले भी एफआईआर दर्ज है, 307 का मुकदमा जीरकपुर में भी दर्ज है। इसका आपने 5 दिन का रिमांड हासिल किया है और इससे जो हमें नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं उसकी बैकवर्ड लिंकेज हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से लेके आता और किसको सप्लाई करता है, तो वो सारी उस चीज़ को हम वर्कआउट करके उसको नेटवर्क को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड इसका वेपन्स लेके आने वाला जो मुजफ्फरनगर में बंदा जिसको इसने बताया उसके ऊपर भी हम रेड करेंगे एंड उसको भी आगे फर्दर लेके जाएंगे। सर केड़े केस में लड़िंदा सी आपां नूं? ये 307 दा परचा सीगा जी, मुकदमा नंबर 281 5 जुलाई 2020 फिर इन्हें साहा अंबाले च भी एफ आई आर हैगी दर्जे देते उत्थे गोली चलाई सी इन्हें एंड सिमिलरली रेड का परचा भी होया हुआ सी 2014 च जिदे च 7 साल की सज़ा इन्हू हो चुकी है एंड उहदे च इहदी अपील हुण उहदे ते बेल च बाहर है हाई कोर्ट तो एंड उहदी अपील पेंडिंग है। कुछ सर दसण सारे अपने प्रैस रिपोर्टर दस सकदे? हाँ जी, बतौर ये दसण मुताबक ये बतौर प्रैस रिपोर्टर काम करता रहा हरियाणा न्यूज़ 24 चैनल च ते वो सारे चीज़ भी यदि असं जो प्रोफेशनल हिस्ट्री वो भी वेरीफाई कर रहे हैं। सर जो प्रेस रिपोर्टर की बात करनी है अपने चैनल का, ये यूट्यूब चैनल के था या वैसे ही नेशनल चैनल का की रिपोर्ट? जो अभी तक हमें जानकारी मिली है ये यूट्यूब चैनल था। तो सर जीतपुर में इसने क्या वारदात की थी? सर इसने गोली चलाई थी पार्क में, एक लड़के के ऊपर इसने फायर किया था और उस टाइम इसके ऊपर 307 लगी थी जिसमें ये बाधा हुआ। क्या सर ये घोड़ा था यहाँ से? उस वारदात के बाद ये लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन